मुख्यमंत्री मास्टरमाइंड है पूरे के पूरे मामले का, साजिश और षड्यंत्र करके ये घटना हुई है। ये जो संजय सिंह है, जब ये अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर गए तो संजय सिंह ने ये पूरा का पूरा मामला पार्टी पे कब्जे का और कुछ नहीं। फिर कह रहे हैं कि कोर्ट भी सरकार से ही चलते हैं, तो इसका मतलब संजय सिंह को भी बीजेपी ने ही छुड़वाया, क्योंकि फिर मनीष सिसोदिया की जमानत क्यों नहीं। ये कह रहे हैं एम्स भी झूठा है, यही राजा हरिश्चंद्र है सब कुछ, और पूरी की पूरी कौरवों की सेना एक महिला के चरित्र हरण और चीर हरण सब कुछ पीछे लगी। मैं अरविंद केजरीवाल से 2007-08 से जुड़ा हुआ, और जब ये आंदोलन भी नहीं था तो उस टाइम पे आरटीआई और स्वराज पे काम करते थे। मैं एमडी यूनिवर्सिटी में उस टाइम पे स्कॉलर था, तो 2008 में एमडी यूनिवर्सिटी में बुला के भी प्रोग्राम किए थे हमने। अभी अन्ना आंदोलन जब था उसकी कोर कमेटी का मेंबर था मैं, और हरियाणा का इंचार्ज। इसके अलावा जब ये पार्टी बनी, आम आदमी पार्टी बनी, तो उसका नेशनल एग्जीक्यूटिव का मेंबर था, हरियाणा का पार्टी का मैं अध्यक्ष रहा हूं। और 2020 में मैंने ये पार्टी छोड़ दी थी, 2020 अप्रैल में। तो मैं जो आप लोगों को जो चीजें बताऊंगा, जो ये मामला चल रहा है, अभी मैं देख रहा था कि मीडिया में न्यूज आ रही थी कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री के घर में, मैं उसको गटर हाउस बोलता हूं, वो मुख्यमंत्री का गटर हाउस है, और कि भाई उनके माता पिता से पूछताछ होगी स्वाति मालीवाल के मारपीट के मामले में। तो माता पिता से पूछताछ में कुछ नहीं निकलेगा, मुख्यमंत्री मास्टरमाइंड है पूरे के पूरे मामले का, साजिश और षड्यंत्र करके ये घटना हुई है। तो मां बाप से नहीं, दिल्ली पुलिस से मेरी रिक्वेस्ट है कि मुख्यमंत्री से पूछताछ हो और इसका नार्को टेस्ट हो, क्योंकि ये जो मामला है आप लोगों ने देखा होगा, मारपीट हुई फिर मना किया गया, मना किया गया ये सारे लोगों, ये इन्हीं लोगों के, इन पार्टी वालों के, ये मेरा कुछ नहीं है इसमें। अब जब सबसे पहले ये आपने देखा होगा कि संजय सिंह जो कि केजरीवाल का तोता है, वो आया था कि हां मारपीट हुई है, और आप लोगों के पास ये मेरे ख्याल में दिखाने की जरूरत है नहीं, आप लोगों के पास ऑलरेडी नहीं, वो ट्वीट तो होंगे आपके पास पड़े होंगे मेरे ख्याल में। तो ये आया था, बोला था इसने खुद कि हां मारपीट हुई है मुख्यमंत्री के घर पे, ये इसने लिख रखा है, यस्टरडे इंसिडेंट मिसकंडक्ट अरविंद केजरीवाल रेजिडेंट्स इनवॉल्विंग स्वाति मालीवाल एंड विभव कुमार केजरीवाल पीए, स्वाति मालीवाल रिपोर्टेड द इंसिडेंट, दिल्ली पुलिस केजरीवाल कंडेम्ड द इंसिडेंट, डायरेक्टिंग द स्ट्रिक्ट एक्शन टू वाज टेकन से। और फिर उसके बाद ये अगले दिन कड़ा एक्शन लिया गया, लखनऊ में साथ है ये, साथ में ये पीए, इस पीए की कोई औकात नहीं है। कुछ लोग हैं वो मैं देख रहा था उनके ट्वीट में, 13 साल से जानता हूं मैं, इतने साल से जानता हूं, तो मैं 17 साल से जानता हूं, और मेरे से ज्यादा ये कुछ नहीं जानते। तो ये जो संजय सिंह है, जब ये अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर गए तो संजय सिंह ने ये पूरा का पूरा मामला पार्टी पे कब्जे का और कुछ नहीं। ये जो बोलता था, आप लोगों ने देखा होगा संजय सिंह को, परिवार की पार्टी का छोड़ा कैसे करता था, परिवार की पार्टी, परिवार की पार्टी। अब इसको देखा कि अरविंद केजरीवाल अंदर गया और उसने अपनी बीवी को सुनीता केजरीवाल, तो इसको यह परेशानी हुई कि आंदोलन किए हमने, क्रांति की हमने, लड़ाई लड़ी हमने, अब ये अपनी बीवी को यहां पे पूरी की पूरी पार्टी सौंप के जा रहा है, जो मुख्य बात थी।
जो घटना आप लोगों के सामने हुई, इन्होंने कहा कि नहीं हुई नहीं, तो संजय सिंह ने ही तो कहा था, यही अगले दिन लेके गया था। फिर उसके बाद पार्टी ये आती है, इसको आप कहोगे कि मैं मतलब जिस तरह हंसते ये बोलती है मैडम, ये भी उसी में शामिल थी, अभी मुख्यमंत्री बनाना चाह रही थी। ये सारा का सारा पार्टी दो तरह से होगी थी कि सुनीता केजरीवाल लीड करेगी क्योंकि केजरीवाल को तो अंदर रहना जेल में, या संजय सिंह करेगा। अब ये हंस हंस के सरपुण खां की तरह, जैसे ये दुर्योधन की तरह इसने दुशासन को बोल के चीरहरण करवाया है, रोज की प्रेस कॉन्फ्रेंस, मतलब एक महिला जो इन्हीं की पार्टी की थी, जो 20 साल से काम कर रही थी, उसको ये बीजेपी का एजेंट बता रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि कोर्ट भी सरकार से ही चलते हैं, तो इसका मतलब संजय सिंह को भी बीजेपी ने ही छुड़वाया, क्योंकि फिर मनीष सिसोदिया की जमानत क्यों नहीं हुई, सत्येंद्र जैन की जमानत क्यों नहीं हुई, इसकी क्यों होगी फिर, ये जो बीजेपी का एजेंट बता रहे हैं। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मेरे को भी बना देंगे, उनका कंप्यूटर था, दिल्ली पुलिस कह रही है, दिल्ली पुलिस को कह रहे हैं ये तो झूठी है, दिल्ली पुलिस झूठी है, एम्स की रिपोर्ट बता रही है कि हाँ ये इंजरी हुई है, कि मेरा तो वो है नहीं शायद, ये इसमें रिपोर्ट भी होगी वो, ताकि भाई मैंने तो कहानी एम्स की आप लोगों ने देखी होगी, एम्स ने जो रिपोर्ट दी है कि भाई हाँ एम्स की ये रिपोर्ट है, ये कह रहे हैं एम्स भी झूठा है, यही राजा हरिश्चंद्र है सब कुछ, और पूरी की पूरी कौरवों की सेना एक महिला के चरित्र हरण और चीर हरण सब कुछ पीछे लगी। यहां बाथरूम करने भी इस पार्टी में कोई नहीं जाता केजरीवाल के कहे बिना, जो कि ये पूरा का पूरा कैंपेन चला रहे हैं कि सिर्फ एक, क्योंकि अब तो चलो कांग्रेस के साथ तो गठबंधन होगा, नहीं तो ये कहते बीजेपी और कांग्रेस की साजिश है, अब ये बीजेपी की साजिश बता रहे हैं। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, ये कहता अपने आप को हनुमान भगत हूं मैं, अरे हनुमान ने तो महिला के लिए लड़ाई लड़ी थी, ये कहेगा हनुमान भगत है रे, ये तो रावण भगत भी नहीं कह सकता अपने आप को, क्योंकि वो भी सीता के साथ मारपीट नहीं करी थी उसने, बंदगी बना रहे, रावण का भी भगत नहीं हो सकता, रावण में तो अहंकार था सिर्फ, ये तो हर तरह से कच्चा आदमी है। मैं ये कह रहा हूं, मैं एक पार्टी का होने के नाते, मैं पार्टी में था भाई, सबसे पुराना आदमी हूं मैं, और पार्टी में सारी पता आप लोगों को पता है, पता नहीं कितने कितने उल्टे काम होते हैं, ये मैं उस पर नहीं जा रहा, मैं इस चीज पे जा रहा हूं कि जो मारपीट हुई है, तो इस पार्टी के जो भी ये 5-10 आदमी हैं, इनका नार्को टेस्ट हो, इनकी संपत्ति की जांच हो, इनके करेक्टर की जांच हो, और सबसे पहले ये चीज करवाने के लिए मैं तैयार हूं। वो जब नार्को टेस्ट हो और वो लाइव हो, ऐसा नहीं गए क्योंकि ये तो पारदर्शिता वाले हैं भाई, तो नार्को टेस्ट भी लाइव हो, मैं सबसे पहले लेटने के लिए उस नार्को टेस्ट पे तैयार हूं, क्योंकि ये जब पार्टी बनी तो चला था एक 3C, करप्शन, करेक्टर, क्रिमिनल, तो भाई उस पर हो जाना चाहिए नार्को टेस्ट, मेरे ख्याल में कोई बड़ी बात है नहीं आजकल, और लाइव तो हो ही जाता है कोई इतना, आप भी प्रोग्राम लाइव करते हो तो मीडिया को भी वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो भाई साहब इस पूरे मामले में भगत सिंह का फोटो लगाएगा पीछे, अंबेडकर बाबा साहब का लगाएगा, बाबा साहब अंबेडकर ने कब किसी महिला से छेड़खानी कर दी, मारपीट कर दी, किसको घर बुला के रहे, ये कायर मुख्यमंत्री है, कायर, क्योंकि कोई भी महिला के ऊपर इस तरह अटैक नहीं करेगा, किसी आदमी पर करवा लेता। और फिर कह रहे हैं कि पिटने के बाद ऐसे कैसे चल सकती है, ये जो पीटने वाला है या जो भी ये बात कह रहे हैं उनको एक मिनट मेरे को दे दो, अगर वो बोल्ट पीट के बोल्ट से भी तेज नहीं भागे, बोल्ट से उसके सेकंड रिकॉर्ड कर लेना, अगर वो पीट के बोल्ट से भी तेज नहीं भागे तो हमारे को बता देना, मतलब लॉजिक देखो, गजब है लॉजिक। और भाई मैंने देश सीना समझो पीएचडी कर रखी है, एमएमसी कर रखी है, मैं 15 साल यूनिवर्सिटी में रहा हूं, अलग अलग मैं बता रहा हूं कि लॉजिक देखो। फिर एक वो आगे कर रखी है, वो जो मुख्यमंत्री बनना था उसने, ये आतिशी मार लेना, थोड़े दिन बाद ये भी आतिशी पिट लेना होना है, मैं आपको बताऊं, ये आती है रोज सुबह, रोटी भी खाती है कि नहीं खाती है,
और पूरी की पूरी अपनी कोर उस सेना को करके है कि चलो अब स्वाति के ऊपर हमला करते हैं। मैं पूर्व पत्नी होने के नाते उसको डिफेंड नहीं कर रहा, मैं उसके साथ एक आंदोलन में रहा हूं, आंदोलनकारी होने के नाते। दिल्ली की महिलाओं के लिए उसने काम किए हैं और उसने अपने पर्सनल लाइफ को भी साइड में रख के महिलाओं के लिए काम किए। मुझे नहीं लगता आज तक किसी भी महिला आयोग ने इतना काम किया होगा।